क्या ले भाई के लोगों की किस्मत बदल जाती है जब उन्हें दो दो बंदियां मिल जाएं। हमारी किस्मत तब बदली जब हमें दो ट्रिप मिल गई, वो भी स्कूल की। इस बार हम दो जगह जा रहे थे, कसौली और पिंजौर गार्डन। पिछली बार अगर आपको याद हो तो हम लेट चढ़े थे बस पे, इस बार तो 6 बजे का बोल के हमारे सर ही 8 बजे पहुंचे। बस फिर थोड़ी देर हम स्कूल में रहे और उसके बाद हम बस में चढ़ गए। और आपको पता ही है कि बस में चढ़ के हमारी क्या होती है। वही 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 तो हम जा रहे हैं कसौली ट्रिप पे। मराने जा रहे हैं सबसे पहले तो हम जा रहे कसौली और कहाँ पंजौर चलना है। याद हो गया बंदे को चलना है भाई, बहुत मुश्किल से याद करा है, 2 बार मैंने पूछा है सबसे। हमारी किस्मत बहुत चमकी हुई है क्योंकि हम 2 बार ही गए हैं ट्रिप पे। हमारी इतनी ज़्यादा किस्मत, हमें इतना अच्छा लग रहा है पर इसको नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि ये पहले नहीं आया था। इसका सिर्फ पहला है मेरे। देख दो टैलेंट होता है, हुकम का नाम चलता है। सबसे पहले हमें पहुंचना था कसौली, और कसौली जब हम जा रहे थे तो बस में बैठे बैठे बाहर जब हम व्यू देख रहे थे तो इतना अच्छा व्यू बना हुआ था, पहाड़ वगैरह दिख रहे थे। और हम फिर एक ढाबे पे रुके कुछ खाने पीने के लिए और स्कूल वालों ने वहाँ पर भी पैसे दिए तो हद से पार बात हो गई, मतलब खुपचे में तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी बस यहाँ पे रुकिया 15 मिनट, जिसको हगना मुतना जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं। और ये बोल रहे कि खाने के लिए अगर आपको खाना है तो खा सकते हो, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे दर पर सनम चले आए, यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। इधर इधर ये माय बॉय, कहाँ चढ़े हुए तुम? देखो बस छलांग मारने कोशिश कर रहे सुसाइड। मोनी राम से। ओए जतिन थोड़ी हिम्मत दो, चेज करो। आजा 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 आजा, ये हम पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे। ये हमारे बंदे ऊपर चढ़े हुए हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे। फिर ढाबे से हम निकले कुछ खा पी के और फिर हम बस में चढ़े। और ऊपर जब हम कसौली की तरफ जा रहे थे तो उसका रास्ता मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि वो ऐसे 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 जा रहा था, वो इतना मज़ा आ रहा था। ऊपर से पहाड़ वहाँ के मतलब इनक्रेडिबल, और नीचे से देखो तो ठीक ठाक बट ऊपर से देखो तो और अच्छे व्यू हो रहे थे। और फिर उसके बाद हमने एक जगह बस रोकी और फिर उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली कि घूमो। तो कसौल पहुंच चुके हैं हम, और हम ऊपर चढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चढ़ रहे हैं। सर ने मेरे से पूछा मन रास्ता पता है, मगर ये सर पता है, कहता तू लेके चल सलो आप सबको आगे। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ को मुड़ गया, मेरे को रास्ता नहीं पता, हम पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं सबको। मेरे ख्याल से 60 बंदे हैं, बस जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। मंदिर बटवा दे यार मंदी। हम थोड़ा सा चढ़े, फिर से थक चुके हैं, जैसे नैना देवी में थक चुके हैं। ये ज़्यादा थक चुका है, ज़्यादा मोटा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा फैट है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बना नहीं है पर फिर भी वी आर गोइंग टू आर डेस्टिनेशन एंड हेलो अंकल नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं, ये बताओ ये रास्ता कितना लंबा जाता है? कुछ भी, हम अपने आप को देख सकते हैं। ओए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये मतलब बहुत आगे तक गए थे और अब दोबारा वापस जा रहे हैं। व्यूज़ बहुत सारे अच्छे थे बट अब मेरे को ये हो रहा है कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। हमें लग रहा था कि शायद और देखेंगे पर और देखने को शायद कुछ होगा नहीं। अभी लग रहा है कि शायद हम वापस नहीं जा रहे, हम किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। कोई और ही अलग से बीच में रास्ता जा रहा था, हम वहाँ पर जा रहे हैं शायद, और देखते हैं वहाँ पर क्या होगा।
कसौल में हमें एक और चीज़ बहुत बढ़िया लगी, हनुमान मंदिर। वहाँ पर जाते ही हमें नैना देवी की याद आ गई थी, क्योंकि नैना देवी में हमने 500 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। यहाँ पर हमें भी ऐसी मतलब 300-400 के आसपास सीढ़ियाँ थी वो चढ़नी थी। वो भी चीज़ हम शूट कर सकते थे, आपको दिखा सकते थे, बट हमने कर नहीं पाए हम, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं थे कैमरा। हम छुप छुप के भी बना सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने कैमरा ही छीन लिए, फ़ोन ही छीन लिए सबके, तो फिर हम बना ही नहीं पाए। फिर चलो फिर क्या कर सकते हैं अब। हराम ही तो बहुत था, तुम्हें तो समझ जाते थे। 24 ये ले पकड़, 24 कितने थे, कितनी है? 12 फोन थे और एक वॉच थी और एक कोड है। ओके मानस को ले दे, मानस यहीं रुक रहा है। छुप छुप के बनानी पड़ती है। तो अभी हम ऊपर चढ़े थे हनुमान मंदिर, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, मतलब हम नहीं कर पाए शूट। मेरे घुटने भी टूट गए थे। आए हाय, चलना नहीं आता एक तो बिचारियों को। चल तू बिचारी तो है नहीं, तू डायन है, चुड़ैल है। तू भी तो छुप के लिए। फिर हम थोड़ा सा और चले और फिर हम पहुंचे चर्च में, और चर्च में जाके मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई थी। मतलब बाकी जगह से भी मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन चर्च में मेरे को खुद को पर्सनली अपनापन सा फील हुआ। अब मेरे को बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे को खुद को पर्सनली फील हुआ ऐसा तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम चर्च से निकले और हम बस में चढ़े, ऑब्वियसली बक्सोदी के लिए। तो अभी हम आ रखे हैं चर्च में, ये सब चल के आए हैं और इनकी हालत आप देख सकते हैं। तो अभी हमने पूरा कसौल ऑलमोस्ट घूम लिया है। अभी ये बोल रहे थे कि बस की तरफ जाएंगे, बस की तरफ हमें लेके जाई जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है बस। जहाँ पर बस खड़ाई थी उससे आगे ही निकली जा रहे हैं हम, पता नहीं मिली नहीं बस, पता नहीं बस लेके जा रहे हैं या फिर पिंजोर पैदल ही लेके जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कुछ। पिंजोर पैदल लेके जाना फट जाएगी हमारी। फिर हम पिंजोर गार्डन गए और वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे थके हुए थे कसौल में इतना ज़्यादा घूम के। और मैं तो पिंजोर गार्डन पहले भी घूम चुका हूँ, इसलिए मेरे को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बन रहा था। वहाँ के फ्लावर्स, ट्रीज़ वगैरह इतने अच्छे बने हुए थे, और ट्रीज़ के बीच में से जो शाइन आ रही थी सन की, वो इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब देख के मज़ा आ गया था उस चीज़ को। और फिर हमारी जो अलग से बकचोदियाँ चलती रहती है, उसकी वजह से हमारी ऑलमोस्ट थकावट कवर अप हो गई थी। तो अभी हम आ रखे हैं पिंजोर गार्डन, 6 अभी बजे हैं और 7 बजे की वापसी बोली है। हम आएंगे 7 बजे तक? बिल्कुल भी नहीं, 9 बजे। 9 बजे ये तुम्हें पीछे दिख रही है, ये लो लो लड़की, पीछे दिखाओ, पीछे। ये लड़की बहुत सेट कर रखी है, अभी दारू पी रखी इस लड़की ने, ठीक है? इसने पिलाई थी, शकल दिखाओ अपनी, इसने पिलाई थी। उसके बाद हम बस में चढ़े और हम वापस आ ही रहे थे, लेकिन वापस आते हुए हमारी इतनी बकचोदी हुई नहीं बस में, क्योंकि किसी ने पीछे बैठ के कोक की बोतल ही शेक कर दी थी। पूरे बस में कोक 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 हो गई थी, और मतलब इतना चिपचिपा सा हो गया था। ऊपर से फिर हमारे सर ने भी हमें डांट दिया। अब हम इतना तो रखते हैं कि सर ने डांट दिया तो हम आगे से कुछ ना ही करें, तो फिर हमने कहा चलो कोई चक्कर नहीं है, हम फिर उसके बाद हरकतें नहीं करेंगे, हमने बकचोदी इतनी नहीं करी। लेकिन हाँ, बस में जो लाइट्स लगी हुई थी उसका व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था, तो मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड करी है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लड़का जो आज की में पढ़ा,
तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि आपकी भी ऐसी किस्मत बदल जाए, स्कूल ट्रिप, दो दो स्कूल ट्रिप लग जाए आपके। अगर दोबारा आपको इस व्लॉग को देखकर आपकी यादें ताज़ा हो गई हैं तो प्लीज़ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।